ये जो आरण्यक है ना, देखें ये दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, अरण्य, और दूसरा जो शब्द है ना वो है यक, अरण्य और यक। अरण्य का मतलब होता है वन, आपको निश्चित रूप से पता है। यक का मतलब क्या होता है? यक का मतलब होता है ज्ञान, यक का मतलब ज्ञान। अर्थात इसका अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो इस शाब्दिक अर्थ का आशय क्या होगा? वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से, अर्थात वनों में जो भी साधु महात्मा लोग रह रहे हैं, जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, शिष्य हैं, वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। जुबान से बोले याद होना चाहिए, वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से, पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें क्या कहा जाता है? आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। एक बात, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, बेसिकली किसके अंतिम भाग है? एक प्रकार का यह भी बड़ी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि ये जो आरण्य ग्रंथ है वह ब्राह्मण ग्रंथों के, किसके? ब्राह्मण ग्रंथों के क्या है? अंतिम भाग है, अर्थात ब्राह्मण के, ब्राह्मण ग्रंथों के ये अंतिम भाग के तौर पे जाने जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ये जो आरण्य ग्रंथ है ना, इनमें किनकी व्याख्या की गई है? विषय वस्तु क्या है? अगर इनके विषय वस्तु की बात किया जाए, इनमें किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं, पढ़ी जाती हैं? इसमें बेसिकली यज्ञ की, किसकी? यज्ञ की, यज्ञ की किस प्रकार की? दार्शनिक एवं आध्यात्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या का वर्णन मिलता है। अर्थात दार्शनिक और आध्यात्मिक वर्णन यज्ञ की कहां देखने को मिलती है? तो भाई इसका विषय ही है यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या होना या वर्णन करना आरण्यक ग्रंथ का। अर्थात जो बेस है ना आरण्यक ग्रंथों का वो यज्ञ से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन यज्ञ के कर्मकांडीय बात नहीं हो रही है, यज्ञ के कर्मकांडीय स्वरूप की बात नहीं हो रही है, यज्ञ के भौतिक फल प्राप्ति की बात नहीं हो रही है। किसकी बात हो रही है? यज्ञ के ये जो आध्यात्मिक महत्व है, इसके जो दार्शनिक पक्ष है, उसके बात हो रही है। तो एक प्रश्न फिर यहां से निकल करके आ जाएगा, वो ये कि भाई ये जो दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या हो रही है, तो एक प्रश्न बनता है यहां पर कि दर्शन का आरंभ, दर्शन का आरंभ कहां से होता है भाई? तो दर्शन का आरंभ, प्रारंभिक अवस्था अगर देखा जाए दर्शन का, अर्थात यहां पे क्या यज्ञ कर्मकांड की बात होगी क्या? आपका उत्तर होगा नहीं। यहां पे दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या हो रही है, किसकी? यज्ञ की। तो यज्ञ के कर्मकांडीय स्वरूप की बात यहां पे आरण्यक में नहीं होगी, तो यहां पे किस प्रकार की बात हो रही है? तो भाई यहां पे चूंकि यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या हो रही है ना, इस वजह से यज्ञ कर्मकांड के स्थान पर यहां पे किसकी बात होगी? तप तपस्या की बात होगी, तप तपस्या की बात होगी, तपस्या की बात होगी। और किसकी बात होगी? तप तपस्या, ज्ञान अर्जन की बात होगी। ज्ञान अर्जन कैसे होगा? चिंतन से होगा, मनन करने से होगा। मनन आदि को महत्व दिया गया, याद रहेगा। यज्ञ कर्मकांड के स्थान पर तप तपस्या, ज्ञान अर्जन, मनन चिंतन पर आरण्यक ग्रंथों में बल दिया जाता है। क्लियर है भाई? यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अगली महत्वपूर्ण बात कि ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, आरण्यक ग्रंथों की विषय वस्तु तो हो गई, अगर संख्या की बात किया जाए, इनकी संख्या कुल कितनी है भाई? इनकी संख्या है 7। ये जो ऊपर लिखा वो भी आपके परीक्षा पॉइंट से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये समझने वाली बात थी। ये जो लिखा कि आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी है, सीधे सीधे एक तथ्य निकल करके आता है, आरण्यक ग्रंथों की संख्या 7 है।
एक और तथ्य यहीं पे जुड़ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से वेद से जुड़ा हुआ कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो भाई यहीं पे कि आरण्यक ग्रंथों की बात हो रही है ना, तो अथर्व वेद का, किसका, अथर्व वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, कोई भी उपलब्ध नहीं है। अर्थात अथर्व वेद को छोड़कर, अथर्व वेद को छोड़कर ऊपर के जो तीनों के तीनों वेद है ना, प्रत्येक से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है। याद रहेगा, अथर्व वेद को छोड़कर ऊपर के तीनों वेदों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध है। कौन कौन से वो आरण्यक ग्रंथ हैं? तो एक तरफ देखते हैं वेद और इनसे जुड़ा हुआ आरण्यक ग्रंथ, ये सब याद करना होगा। अगर बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो आरण्यक ग्रंथ है, ये वही आरण्यक ग्रंथ है, बस नाम वही है, लास्ट में ब्राह्मण ग्रंथ की जगह आरण्यक शब्द का प्रयोग हो गया है। क्या है वो? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो आरण्यक ग्रंथ है वो अगेन वही है ऐतरेय और कौशीतकी, लेकिन यहां पे कौशीतकी या ऐतरेय ब्राह्मण नहीं होगा बल्कि आरण्यक शब्द का प्रयोग होगा। आसान है, याद रहेगा। दूसरा है सामवेद। तो सामवेद से जुड़ा हुआ जो आरण्यक ग्रंथ है वो एक है छांदोग्य, और याद रखना है छांदोग्य और जैमिनीय, छांदोग्य और जैमिनीय। अब यहां पर देखें केन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, केन शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पे वंश शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, वो ब्राह्मण है। यहां पे आरण्यक सामवेद से जुड़ा हुआ कौन सा है? छांदोग्य आरण्यक का संबंध किससे है? सामवेद से। जैमिनी आरण्यक का संबंध किससे है? सामवेद से। दैट्स ऑल। तीसरा इसमें कोई भी नहीं है, अर्थात ऋग्वेद से जुड़ा हुआ दो आरण्यक ग्रंथ हो गया, याद करेंगे ऋग्वेद से जुड़ा हुआ दो आरण्यक ग्रंथ हो गया, सामवेद से जुड़ा हुआ दो आरण्यक ग्रंथ हो गया, जबकि आरण्यक ग्रंथों की संख्या बताई 7, और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब कि यजुर्वेद का, यह भी अपने आप में एक तथ्य बनेगा कि यजुर्वेद का, यजुर्वेद के कितने आरण्यक ग्रंथ हैं? एक अगला प्रश्न, निश्चित रूप से आप में से किसी को पहले यह याद नहीं रहा होगा कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ सिर्फ 3 ही आरण्यक ग्रंथ हैं। प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि सामवेद से जुड़ा हुआ आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी? 2। ऋग्वेद से जुड़े हुए आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी? 2। यजुर्वेद से जुड़े हुए आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी? 3 होगा ना भाई, 2 + 2 + 3 बराबर हो जाएगा 7। आरण्यक ग्रंथों की संख्या कुल है 7। अथर्ववेद का कोई भी नहीं है तो यजुर्वेद तक ही देखना है। अब यजुर्वेद से जुड़े हुए आरण्यक ग्रंथों की संख्या है 3, कौन कौन से हैं? तो भाई एक नाम याद करेंगे, बृहदारण्यक। एक अगला याद करेंगे तैत्तिरीय, और एक अगला याद करेंगे शतपथ। ये 3 हो गए किससे जुड़े हुए? यजुर्वेद से जुड़े हुए। तो यहां पे ये बातें हुई, फिर से कंक्लूड करते हैं कि भाई आरण्यक की बात हो रही है, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक का नाम आता है। अरण्य का अर्थ क्या होता है? अरण्य 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है अरण्य और दूसरा है यक। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल, जंगल में मंगल वाली बात नहीं, यहां पे ज्ञान की बात हो रही है। शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा है? वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। अगली बात, ये ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग है, वेदों के नहीं, ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, इसका विषय क्या है भाई? तो आरण्यक ग्रंथों में यज्ञ की, किसकी? यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या देखने को मिलती है। किसकी? यज्ञ की। क्या चीज देखने को मिलती है? दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या देखने को मिलती है। तो यहीं पे एक प्रश्न निकल करके
आ जाएगा कि दर्शन का आरंभ किससे हो रहा है, तो दर्शन का आरंभ हो रहा है आरण्यक से। किससे हो रहा है? आरण्यक से। एक दूसरा प्रश्न कि दर्शन का चरमोत्कर्ष कहां पे देखने को मिलता है, तो दर्शन का चरम अर्थात चरमोत्कर्ष या चरम परिणति, कुछ भी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, चरम परिणति कहां पर देखने को मिलता है, तो दर्शन का आरंभ तो हो रहा है आरण्यक ग्रंथों से, और चरम परिणति या चरमोत्कर्ष कहां पर देखने को मिलता है, उपनिषद ग्रंथों में देखने को मिलता है। कहां पर? उपनिषद ग्रंथों में। याद रहेगा ये सारे के सारे अपने आप में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसके अलावा जब यहां पे यज्ञ की दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या या वर्णन देखने को मिला है अन्य ग्रंथों में, तो निश्चित रूप से यज्ञ कर्मकांड की बात यहां पे नहीं होगी, कर्मकांड संबंधी बात नहीं होगी, यज्ञ के कर्मकांडीय स्वरूप की बात यहां पर नहीं होगी, यज्ञ के आध्यात्मिक स्वरूप की बात हो रही है। तो इसका मतलब कि आरण्य ग्रंथों में तप तपस्या की बात की जा रही है, ज्ञान चिंतन मनन को महत्व दिया जा रहा है, इनका महत्व ज्यादा है आरण्य ग्रंथों में। क्लियर है भाई? इसके अलावा आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया आरण्य ग्रंथों की संख्या है 7। कौन से एक वेद का आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, तो भाई अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगली महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ, अथर्ववेद को छोड़कर प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई आरण्य ग्रंथ है। तो भाई ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ऐतरेय ब्राह्मण सॉरी आरण्यक और कौशितकी आरण्यक, ऋग्वेद से जुड़े हुए आरण्य ग्रंथों की संख्या कितनी? 2। सामवेद से संबंधित कौन से आरण्य ग्रंथ हैं? तो 2 हैं, एक है छांदोग्य आरण्यक और दूसरा जैमिनी आरण्यक, सामवेद से संबंधित 2। यजुर्वेद से संबंधित आरण्य ग्रंथों की संख्या है 3, बृहदारण्यक, तैत्तरीय और शतपथ। आसान है, किसी भी चीज को एक बार आंख के सामने से गुजारिए, दूसरी बार ज्यादा फोकस करिए, तीसरी बार और ज्यादा फोकस करिए, दिमाग में बात घर कर जाएगी, कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है। चीजों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके कई बार अगर संपादित किया जाए ना, निश्चित रूप से कुछ भी किया जा सकता है। आगे बात करेंगे, अगला जो हमारा मुद्दा है, अब कोई भी पेपर उठा करके देखिए, कोई भी चाहे वेद से संबंधित हो, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित, चाहे आरण्यक संबंधित, कुछ भी मॉडल पेपर उठा करके देखिए, पूरी की पूरी कोशिश मेरे द्वारा यही हो रही है, कुछ भी मॉडल पेपर में दिया हो, सारा का सारा, एक भी प्रश्न न छूटे, सारा का सारा आपकी पकड़ में हो। अगला हमारा टाइटल है उपनिषद। ये क्या है? पहले तो यह याद कर लें कि वैदिक चिंतन की यह किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो यह ज्ञान प्रधान रचनाएं हैं, अर्थात ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद कैसी है? कर्मकांडीय नहीं, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, अर्थात यहां पे तप तपस्या मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, कर्मकांड नहीं किया जा रहा है, भक्ति की बात नहीं की जा रही है यहां पे, न तो कर्मकांड की बात की जा रही है उपनिषदों में, न तो भक्ति की बात की जा रही है, वो भी नहीं, यहां पे ज्ञान की बात की जा रही है, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, ज्ञान प्रधान रचनाएं हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी में वैदिक चिंतन की, अर्थात वेदों में जो शुरुआत हुई, वेदों में जिन बातों की शुरुआत होती है, उसका चरमोत्कर्ष कहां पर देखने को मिलता है, तो भाई वैदिक जो भी बातें रही हैं, अर्थात जो भी चिंतन रहे हैं, वैदिक चिंतन की चरम परिणति कहां पर देखने को मिलती है, तो वैदिक चिंतन की चरम परिणति उपनिषद ग्रंथों में ही देखने को मिलती है। याद रहेगा वैदिक ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, उसका कंक्लूजन, लास्ट कंक्लूजन किन ग्रंथों में? उपनिषद ग्रंथों में देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण बात, यह जो उपनिषद है ना, वो कुछ शब्दों के मिलने से यह शब्द बना हुआ है। कौन कौन से शब्द हैं? एक है उप, एक है नी और एक है शद, यही 3 शब्द हैं। उपनिषद,
उप का मतलब क्या है? गुरु के समीप, गुरु के समीप। नी का मतलब है शिष्य का, शिष्य का। शद का मतलब है बैठना। सब संस्कृत धातु रूप, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा होगा उनको ये संस्कृत के जो धातु है ना, उन धातु से ही संबंधित ये शब्दावलियां हैं जिनके शाब्दिक अर्थ हैं गुरु के समीप शिष्य का बैठना। अर्थात कुछ परीक्षाओं में उपनिषद का सीधे सीधे अर्थ भी पूछा हुआ है। गुरु के समीप शिष्य का बैठना किस लिए, किस उद्देश्य से? ज्ञान प्राप्त करने हेतु, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप शिष्य का बैठना क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण बात, उपनिषद के अगर बात किया जाए विषय क्या है, मुख्य विषय क्या है, किसके संदर्भ में बात की जा रही है, तो उपनिषदों में बेसिकली आत्मा की बात हो रही है। उपनिषदों में किसकी बात हो रही है? ब्रह्म की बात हो रही है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की बात हो रही है, दो मुख्य विषय हैं। यही कारण है कि इसे आत्मविद्या भी कहा जाता है। किसको आत्मविद्या कहा जाता है? आत्मविद्या उपनिषदों को कहा जाता है। ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। किसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है? उपनिषदों को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। और आत्मा के विषय में जानकारी हासिल करना, ब्रह्म के विषय में जानकारी हासिल करना, यह किस प्रकार की बात है भाई? तो निश्चित रूप से यह साधारण बात नहीं है, यह आध्यात्मिक बात है, यह आध्यात्मिक बात है, दार्शनिक बात है। यही रीजन है कि आत्मविद्या ब्रह्म विद्या के साथ साथ उपनिषद को अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। अध्यात्म विद्या, ये सारे टर्म आपके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। किसको अध्यात्म विद्या कहा जाता है? उपनिषद को। किसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है? चूंकि मूल विषय ही ब्रह्म है इस वजह से ब्रह्म विद्या, आत्मा मूल विषय है इस वजह से आत्मविद्या भी कहा जाता है। एक अगली बात, इसको उपनिषद को क्या कहते हैं? तो इसको आत्मविद्या भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं, अध्यात्म विद्या भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदांत भी कहा जाता है। किसको? उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उपनिषदों को वेदांत इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का, अब आपके दिमाग में वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का जहां पे अंत हो रहा है, वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान दिया जा रहा है ना, उसका चरमोत्कर्ष हो रहा है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसको वेदांत भी। अब दिमाग में एक बात आनी चाहिए, वो ये कि भाई ये वैदिक साहित्य क्या है? तो आपको संभवतः पहली या दूसरी क्लास में जब ब्राह्मण धार्मिक साहित्य की बात हो रही थी तभी आपको बताया था वैदिक साहित्य में क्या क्या चीजें शामिल है। तो भाई इसमें चार वेद शामिल हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ये चार चीजें, चार प्रकार के ग्रंथ ये वैदिक साहित्य के श्रेणी में आते हैं। एक और शब्दावली है वैदिक वांग्मय। अब ये भी याद रख ले, वांग्मय दूसरी शब्दावली है। वैदिक वांग्मय में क्या क्या चीजें शामिल हैं? इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक वैदिक साहित्य प्लस वेदांग। वैदिक साहित्य और वेदांग। वैदिक साहित्य का मतलब क्या है भाई? वैदिक साहित्य का मतलब चार चीजें, कौन कौन से? ये वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये चार प्लस ये वेदांग कुल हो गए पांच। ये पांचों के पांचों वैदिक वांग्मय के तौर पे कहे जाते हैं।
अब एक प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक वांग्मय का भाग नहीं है, तो इन पांचों में से तीन विकल्प रहेगा। चौथा विकल्प हो सकता है पुराण दे दे, हो सकता है महाकाव्य दे दे, हो सकता है धर्मशास्त्र दे दे, हो सकता है स्मृति ग्रंथ दे दे, तो वो जो इन पांचों के अलावा होगा वो गलत होगा। तो इसका विषय हमने बताया आपको कि ये जो उपनिषद है ना, तो उपनिषद का विषय क्या है, आत्मा और ब्रह्म मुख्य विषय है। इसमें से आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषदों के लिए वेदांत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कैसे है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग इस वजह से है क्योंकि पहला भाग हो गया वेद, दूसरा भाग हो गया ब्राह्मण, तीसरा भाग हो गया आरण्यक और चौथा फोर्थ या फिर अंतिम भाग हो गया उपनिषद। इसी वजह से इसको वेदांत भी कहा जा रहा है। क्लियर है? एक दूसरा संदर्भ भी वेदांत कहने का, क्योंकि वेदों का चरम परिणति कहां पर देखने को मिल रहा है, फाइनल कंक्लूजन कहां पे, मतलब वेदों में जो कुछ सामान्य बातें लिखी हुई हैं उसकी चरम परिणति, उसकी एक्सट्रीम विचार की, सोच की, ज्ञान का चरम उत्कर्ष चूंकि उपनिषद ग्रंथों में मिल रहा है, यहां पे जाकर के इससे आगे और कुछ संभव नहीं है। इस वजह से भी वेदांत कहा जाता है। तो दो संदर्भ बताया वेदांत कहने के पीछे। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो अगली महत्वपूर्ण बात कि भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष कहां पर देखने को मिलता है, तो आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय दर्शन का आरंभ तो आर्यन ग्रंथों में देखने को मिला है, लेकिन चरमोत्कर्ष उपनिषद ग्रंथों में देखने को मिला है। मुख्य विषय में आपको बताया आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या। एक छांदोग्य उपनिषद का नाम सुना है आपने, छांदोग्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, नाम सुना है ना भाई, छांदोग्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद का आपने नाम सुना हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में सर्वम खलविदम ब्रह्मम शब्द का प्रयोग हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वम खलविदम ब्रह्मम शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलविदम, जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। और इसी प्रकार की एक बात, इसी प्रकार की इसी से मिलती जुलती एक लाइन का प्रयोग मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है। क्या? कि जो भी कुछ है ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मैं गीता की शपथ लेता हूं पुराने फिल्मों में कि जो भी कुछ बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, तो वैसे ही मुंडक उपनिषद में, छांदोग्य में तो लिखा हुआ है सर्वम खलविदम ब्रह्मम, अर्थात जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। और इसी से मिलता जुलता एक दूसरी लाइन मुंडक उपनिषद में लिखी गई है कि जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। अब ये जो ब्रह्म की बात हो रही है, तो ब्रह्म के संदर्भ में जब हम लोग दर्शन वाली बात करेंगे ना, तो एक शब्द आएगा वादरायण। ये एक महान ऋषि का नाम है वादरायण। इनके द्वारा ब्रह्म सूत्र पुस्तक की रचना की गई थी। जब हम खड दर्शन की बात करेंगे ना, आस्तिक नास्तिक दर्शनों की बात करेंगे, चाहे वो चार्वाक हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो नास्तिक दर्शन की श्रेणी में, चाहे फिर हम लोग आस्तिक खड दर्शन की बात करेंगे, खड दर्शन की जब बात करेंगे, तो उन खड दर्शन में आपको वेदांत देखने को मिलेगा। वेदांत दर्शन में बहुत सारे उपसंप्रदाय देखने को मिलेंगे। उपसंप्रदाय जैसे यहां पे अद्वैतवाद, ये जो उपसंप्रदाय है ना, इसमें वेदांत में बेसिकली ब्रह्म का ही उल्लेख देखने को मिलता है। ब्रह्म के ही अलग अलग, चाहे सगुण रूप में चाहे निर्गुण रूप में व्याख्या देखने को मिलती है। शंकराचार्य जहां अद्वैतवाद की बात करते हैं, वहीं रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत की बात करते हैं, मध्वाचार्य द्वैतवाद की बात करते हैं, नहीं शुद्धाद्वैत की बात वल्लभाचार्य करते हैं, निम्बार्काचार्य अलग प्रकार की बात करते हैं। अर्थात अलग अलग
ब्रह्म की व्याख्या से संबंधित अलग अलग स्कूल्स भी देखने को मिलते हैं, उपसंप्रदाय भी देखने को मिलते हैं जब हम वेदांत की बात करेंगे। लेकिन ब्रह्म के संदर्भ में जो प्राचीनतम पुस्तक लिखी जाती है, ब्रह्म के संपूर्ण स्वरूप को उद्घाटित करने से संबंधित जो प्राचीनतम पुस्तक मिलती है, वादरायण के द्वारा लिखी हुई ब्रह्मसूत्र देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से आपको पहले से ही पता होगा। वापस आते हैं। अब ये जो उपनिषद की बात हो रही है तो एक प्रश्न बनता है भाई कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। आप में से बहुत सारे लोग 18 लिख देंगे। क्यों भाई, उपनिषदों की संख्या 108 है, सबको पता होना चाहिए। कई बार लोग गलती करते हैं, लेकिन आप बड़े स्टूडेंट्स हैं, आपसे ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। 108 है, लेकिन ये 108 उपनिषदों की संख्या है, यह किस उपनिषद में कहा गया है? तो अकॉर्डिंग टू मुक्तिकोपनिषद में यह बात बताई गई है कि उपनिषदों की संख्या 108 है। कहां पे? मुक्तिकोपनिषद में यह बात कही गई है। लेकिन क्या 108 के 108 सबके सब प्रामाणिक हैं? उत्तर है नहीं। तो भाई एक प्रश्न बनता है कि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न, प्रामाणिक उपनिषद कितने हैं? तो इनकी संख्या है 10। क्यों भाई, बस 10 ही क्यों? 108 उपनिषद हैं पूरे। इस वजह से प्रामाणिक हैं 10, क्योंकि शंकराचार्य ने मात्र 10 पर ही क्या लिखा? टीका लिखा। किसने? शंकराचार्य ने। कितने पर? मात्र 10 पर ही अपनी टीका लिखा। इस वजह से 10 को ही प्रामाणिक कहा जाता है। अब ये जो शंकराचार्य के द्वारा 10 पर टीका लिखी जा रही है, तो ये 10 हैं कौन? 10 हैं कौन, ये प्रश्न तो नहीं पूछा हुआ है। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, लेकिन ये वाला प्रश्न तो कई बार पूछा हुआ है, लेकिन इन 10 में से कौन से वो 10 हैं, 108 में से कौन से वो 10 हैं, आज वो भी नोट कर लें। थोड़ा सा जटिल होता है याद करना, बॉली मिलता जुलता नाम है, लेकिन याद कर लेंगे, ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। ईश उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, नोट करते रहेंगे, फिर मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न, ऐतरेय, तैतरीय, कितना हो गया भाई, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये कुल 10, ये कुल 10 हैं जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखा हुआ था। अब एक प्रश्न बनता है कि यह भी कई बार पूछा हुआ है कि अंतिम उपनिषद 108 में से 108 जो उपनिषद लिखे गए, रचना हुई, अंतिम उपनिषद किस नाम से जाना जाता है? अल्लोपनिषद नाम से जाना जाता है। किसके समय इसकी रचना हुई? अल्लाह प्लस उपनिषद, अकबर के समय काल में। अल्लोपनिषद अंतिम उपनिषद के तौर पे जाना जाता है, अकबर के समय काल में इनकी रचना हुई थी। जब अकबर तक पहुंच गए हैं तो एक बात और निकल करके आती है कि भाई कौन सा वो व्यक्ति था जिसने 52 उपनिषदों का, कितने? 52 उपनिषदों का, या तो इनमें से कुछ का स्वयं या फिर कुछ लोगों को मिला करके अनुवाद कराया था फारसी भाषा में, 52 उपनिषदों का। उत्तर है दारा शिकोह। 52 उपनिषदों में से अनेक का खुद और कुछ लोगों की टीम बना करके फारसी में अनुवाद कराया था। 52 उपनिषदों का किसने किया था या कराया था? दारा शिकोह ने, शाहजहां का बेटा, औरंगजेब का भाई। 52 उपनिषदों का यह जो फारसी में अनुवाद हुआ, तो प्रश्न बनता है किस नाम से यह किताब अनुवाद वाला नामांकित हुआ? तो याद करना है सिर ए अकबर नाम से, आसान है, सिर ए अकबर नाम से, या एक और नाम इस किताब को दिया गया है, सिर ए असरार। सिर ए अकबर को ही सिर ए असरार के नाम से भी जाना जाता है। याद रहेगा
किस नाम से? सिर ए अकबर नहीं आया तो दूसरा सिर ए असरार नाम से। क्लियर है भाई? याद रहेगा। जब वो मुगल तक पहुंच गए हैं तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण यूरोप के विद्वान हैं। क्या नाम है उनका? शोपेनहावर। नाम सुना होगा। यूरोप के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान हैं। उपनिषदों का काफी गहन अध्ययन किया है। जो फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, उनको शोपेनहावर का नाम निश्चित रूप से याद होगा। शोपेनहावर एक महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने उपनिषदों पे एक लंबा अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि मेरा जीवन उपनिषदों से ही चलता है, मेरा दैनिक जीवन उपनिषदों पर ही आधारित है और मेरी मृत्यु भी उपनिषद पर ही अवलंबित होगी। अर्थात इन्होंने क्या कहा शोपेनहावर साहब ने कि उपनिषदों के समान, उपनिषदों के जैसा या समान संसार में अन्य कोई दूसरा साहित्य नहीं है। कौन कह रहा है? शोपेनहावर साहब कह रहे हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि ये जो उपनिषद है ना, प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई उपनिषद ग्रंथ है। कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं? पता है किसी को? ऋग्वेद से जुड़ा हुआ कौन कौन से उपनिषद ग्रंथ हैं? कोई बताएगा? तो अगेन ऋग्वेद से जुड़ा हुआ वही जो ब्राह्मण ग्रंथ जिस नाम से था, आरण्य ग्रंथ जिस नाम से था, उसी नाम से अर्थात ऐतरेय और कौशित की उपनिषद हो जाएगा। लेकिन ऐतरेय और कौशित की उपनिषद हो जाएगा। क्लियर है भाई? इसके अलावा अगर सामवेद की बात किया जाए, सामवेद की कौन कौन से उपनिषद? नाम याद होगा, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और केन उपनिषद, इटीसी कर देते हैं। अगर यजुर्वेद की बात किया जाए, यजुर्वेद, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद आदि आदि किससे संबंधित हैं? ये सब यजुर्वेद से संबंधित हैं। अगर चौथे अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद से जुड़े हुए जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनमें एक नाम प्रश्न उपनिषद, प्रश्नोपनिषद अर्थात, एक मुंडक उपनिषद अर्थात मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद से जुड़े हुए। अब यहां पे दो तीन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर कभी प्रश्न ये पूछ लिया गया कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, प्राचीनतम अर्थात पहला उपनिषद कौन सा है, तो प्राचीनतम याद करेंगे, प्राचीनतम छांदोग्य उपनिषद है। सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। अगर आपसे यह पूछा गया कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बृहदारण्यक सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है। अब यहां पे एक और बात कि ये जो उपनिषद ग्रंथ है ना, क्या वो पद्य में लिखे हुए हैं? रचना जो है उपनिषदों की, रचना शैली, तो उपनिषद जो है याद करना है गद्य में भी हैं। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं हम लोग। ये जो प्रश्न उपनिषद है ना, ये प्रश्न उपनिषद और ये जो केन उपनिषद है, ये का मतलब क्या हो गया? ये का मतलब हो गया गद्य पद्य शैली में, अर्थात कुछ बातें गद्य रूप में और कुछ बातें पद्य रूप में। दो बताया कौन कौन से, एक केन और एक प्रश्न उपनिषद। व
वापस आते हैं, वापस आते हैं। देखें, इसका मतलब सिर्फ गद्य में, सिर्फ गद्य। बड़े महत्वपूर्ण है ये, कोई टीचर बताता नहीं है ये सब। ये जो ऐतरेय है ना, ये जो कौशीतकी है ना, ये जो छांदोग्य है ना, ये जो बृहदारण्यक है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये जो मुंडक है ना, ये जो मांडुक्य है ना, मुंडक नहीं भाई, मुंडक नहीं, याद रहेगा। गद्य में कौन कौन से हैं? तो गद्य में मांडुक्य बताया, ये प्रश्न बताया था, गद्य पद्य दोनों में मांडुक्य हो गया, बृहदारण्यक, छांदोग्य, और यहां पे चाहे तो लिख लें यजुर्वेद में तैत्तिरीय भी है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, ये सब गद्य में है। पद्य की बात करते हैं, पद्य तो भाई पद्य में कौन कौन सा बच रहा है? एक है, ये भी गद्य में है, ये भी गद्य में है, ये जो मैत्रायणी है ना, ये भी गद्य में है। पद्य की बात करते हैं, ये जो श्वेताश्वर है, श्वेताश्वर ये पद्य में, श्वेताश्वर कठ, ये जो हम लोग मेहनत करते हैं ना, इस बात को भी समझें, ये एक एक प्रश्न पे हम लोग मेहनत जो कर रहे हैं ना, ये हमें पता नहीं है कि पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया तो सिर्फ आप ही सही करेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये श्वेताश्वर हुआ, ये कट हुआ, ये ईश हुआ, और ये जो मुंडक है, ये मुंडक है, ये पद्य शैली में देखने को मिलते हैं, याद रहेगा। परीक्षा में कभी भी अगर पेपर आपने देखा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं का, तो इनको इनको लेकर के प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि कुछ ऐसी खास बात, काम की बात यहां पे नहीं है। पेपर में प्रश्न बनता है यहां से प्रश्न बनता है, यहां से 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 भी बनता है, यहां से भी, क्या क्या है बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। नोट करना शुरू करेंगे मेरे साथ। ये जो छांदोग्य उपनिषद है, हेडिंग डालेंगे छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इसमें क्या कुछ काम की बातें हैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं, जहां से लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो छांदोग्य उपनिषद में पहली बात कि प्राचीनतम उपनिषद किसको माना जाता है, तो प्राचीनतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद को ही माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सर्वप्रथम सर्वम खलविदम ब्रह्मम, सर्वम खलविदम ब्रह्मम शब्द का प्रयोग कहां किया जा रहा है, शब्दावली का प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में। सर्वम खलविदम ब्रह्मम, अर्थात इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। यह युक्ति, यह बात, यह लाइन सबसे पहले कहां पे, छांदोग्य उपनिषद में ही देखने को मिलती है। हालांकि इसी प्रकार की कुछ बात, इसी प्रकार की बात मुंडक उपनिषद में भी देखने को मिलती है, मुंडक को उपनिषद में भी देखने को मिलती है। वो क्या है, मुंडक उपनिषद में कहा गया है जो भी कुछ है वह ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अर्थात छांदोग्य में जो सर्वम खलविदम ब्रह्मम लिखा हुआ है, वैसी ही कुछ बात मुंडक उपनिषद में भी देखने को मिलती है। अगली बात, ये जो छांदोग्य उपनिषद है, इसी में सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, कृष्ण का उल्लेख किस रूप में, देवकी पुत्र के रूप में, पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख हुआ है, देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख कहां पर हुआ है, छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। इसके अलावा कृष्ण जी
कृष्ण किसके शिष्य के रूप में यहां पे दर्शाए गए हैं? कृष्ण शिष्य रूप में किसके? घोरा अंगीरस के शिष्य रूप में, घोरा अंगीरस के शिष्य रूप में यहां पे वर्णित किया गया है। क्लियर है भाई? किसके शिष्य के रूप में? घोरा अंगीरस, याद रहेगा। आगे बात करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक संवाद देखने को मिलता है उद्दालक आरुणी और श्वेत केतु के बीच। उद्दालक आरुणी, श्वेत केतु, सारी परीक्षाओं में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर पूछा हुआ है कि दार्शनिक वार्तालाप किनके किनके बीच। तो दार्शनिक वार्तालाप देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद में किनके किनके बीच? उद्दालक आरुणी, व्यक्ति का नाम उद्दालक आरुणी एवं श्वेत केतु के बीच, श्वेत केतु के बीच दार्शनिक वार्तालाप उद्दालक आरुणी और श्वेत केतु के बीच। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, किससे संबंधित? छांदोग्य उपनिषद से संबंधित। और कृष्ण वाला प्रश्न तो निश्चित रूप से सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कभी ना कभी, ये दार्शनिक वार्तालाप उद्दालक आरुणी श्वेत केतु के बीच कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया है। क्लियर है भाई? आगे बात करेंगे, इसमें एक लाइन और जोड़ लें, विवाह गीतों का, एक लाइन और, विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? प्राचीनतम उपनिषद की बात हो रही है, उपनिषद की बात हो रही है, किस उपनिषद में सबसे पहले विवाह गीतों का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। अगली बात करेंगे, छांदोग्य के बाद अगली जो उपनिषद है सामवेद से जुड़ा हुआ वो है केन उपनिषद। केन उपनिषद बड़ी परीक्षा में एक बार, मेरी जानकारी में एक बार यहां से प्रश्न पूछा हुआ है कि उमा हेमवती आख्यान, उमा हेमवती आख्यान का संबंध किससे है? उत्तर है केन उपनिषद, अर्थात इनके बीच दार्शनिक जो संवाद हो रहे हैं उनका उल्लेख कहां देखने को मिलता है? केन उपनिषद में देखने को मिलता है। क्या बातें हो रही हैं महत्वपूर्ण वो नहीं है। क्लियर है भाई? उमा हेमवती आख्यान याद रहेगा। सामवेद से संबंधित ये जो दो उपनिषद बताया ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगली बात करेंगे यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ, नोट करते रहेंगे मेरे साथ, यजुर्वेद के उपनिषद, इसमें पहला जो परीक्षा पॉइंट से महत्वपूर्ण है वो है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। आपको पता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाई बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। एक प्रश्न जो कि कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा हुआ है, एक प्रश्न जो कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा हुआ है कि इस बृहदारण्यक उपनिषद के प्रवक्ता कौन थे, इसको बोल बोल करके लोगों को ज्ञान कराने वाले कौन थे पहले व्यक्ति? तो याद रखना है याज्ञवल्क्य इसके प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं, प्रथम प्रवक्ता के तौर पर याज्ञवल्क्य जाने जाते हैं। याज्ञवल्क्य ने ही बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बातें लिखी हुई हैं उसके प्रथम प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें एक क्षत्रिय के नाम का उल्लेख हुआ है, राजा जनक। ये जो राजा जनक थे ना वो दार्शनिक व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं, अपने समय काल के एक महान दार्शनिक। अब वो दर्शन का संबंध तो ब्राह्मणों से होना चाहिए, दर्शन का संबंध तो ब्राह्मणों से होना चाहिए, ज्ञान विज्ञान की बातें ब्राह्मणों का कर्तव्य दायित्व तो रहा है, जिम्मेदारी रही है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा देखने को मिलता है कि ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था रही उसके विरोध में कुछ क्षत्रियों ने भी ज्ञान अर्जन किया, और ब्राह्मणों को ज्ञान के मामले में चुनौती भी प्रस्तुत की उत्तर वैदिक काल में।
और यह सिलसिला आगे भी बढ़ता है। जब उत्तर वैदिक काल के बाद हम महाजनपद काल में प्रवेश करते हैं तो वहां भी आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये लोग शाक्य वंश ज्ञात्रिक, ये क्या है भाई, ये क्षत्रिय वंश परंपरा ही तो है। गौतम बुद्ध भी जन्म से क्षत्रिय, महावीर स्वामी भी जन्म से क्षत्रिय, पार्श्वनाथ भी जन्म से क्षत्रिय, लेकिन कार्य इनका कैसा है, ब्राह्मणों का है। अर्थात उत्तर वैदिक काल से क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को ज्ञान के मामले में चुनौती देनी शुरू की और उसी का विस्तार महाजनपद काल में भी हम जैन बौद्ध आदि के रूप में देखते हैं। फिलहाल क्षत्रिय राजा जनक जो हैं, जो कि दार्शनिक राजा के तौर पे जाने जाते हैं, के द्वारा किसको, याज्ञवल्क को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा देना कहां पे इसका वर्णन देखने को मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। नोट कर रहे हैं भाई, याज्ञवल्क को कौन शिक्षा दे रहा है, जनक दे रहे हैं, जो कि एक दार्शनिक राजा के तौर पे जाने जाते हैं। क्लियर है। चले एक और तथ्य बनता है, याज्ञवल्क की बात हो रही है कि याज्ञवल्क गार्गी संवाद कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो याज्ञवल्क गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखने को मिलता है। क्लियर है भाई। अगली बात, बृहदारण्यक उपनिषद की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक और तथ्य कि कौन सा एक उपनिषद है जिसमें विदुषियों की चर्चा हुई है, विदुषियों की, तो विदुषी अर्थात महिला जो ज्ञानी महिला है, विदुषी महिला या पुत्री की प्राप्ति के अनुष्ठान का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही विदुषी महिलाएं या उनके द्वारा विदुषी पुत्रियों की प्राप्ति के संदर्भ में कुछ अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है भाई, बृहदारण्यक उपनिषद। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें ब्रह्म की चर्चा किस रूप में हुई है, एक लास्ट मुद्दा बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित। इसमें याज्ञवल्क ने क्या किया है, ब्रह्म का निषेधात्मक प्रतिपादन किया है का मतलब क्या है, निषेधात्मक प्रतिपादन करने का मतलब है नकारात्मक संदर्भ में ब्रह्म को परिचित कराना, उल्लेख करना। अर्थात नेति शब्द का प्रयोग किया गया है याज्ञवल्क के द्वारा, नेति कहकर, अर्थात ब्रह्म यह नहीं है, ब्रह्म वह नहीं है, ब्रह्म लाल नहीं है, ब्रह्म पीला नहीं है, ब्रह्म शेखर नहीं है, ब्रह्म सुनीता नहीं है, आदि आदि शब्दावलियों के संदर्भ में ब्रह्म का नेति शब्दों का प्रयोग करते हुए निषेधात्मक रूप से प्रतिपादन किया गया है। क्यों ऐसा किया गया, सकारात्मक रूप से क्यों नहीं ब्रह्म का परिचय कराया गया, क्यों भाई, ब्रह्म का परिचय प्रतिपादन सकारात्मक संदर्भ में क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उपनिषदों में बोला जा रहा है कि जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। अगर मैं ये कहूं कि शेखर ब्रह्म है, इसका मतलब क्या है, शेखर ही ब्रह्म है, शेखर के अलावा जो भी मानव है वो ब्रह्म नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ब्रह्म लाल है, इसका मतलब ब्रह्म पीला नहीं है, इसका मतलब ब्रह्म हरा नहीं है। अगर ये कहूं कि पीपल में ब्रह्म है, इसका मतलब बरगद में ब्रह्म नहीं है, तुलसी में ब्रह्म नहीं है, क्यों भाई, समझ में आ रही बात।
निषेधात्मक का संदर्भ यहां पे क्या है? निषेधात्मक का मतलब है कि यह बताने का प्रयास किया गया है ब्रह्म के संदर्भ में कि अगर ब्रह्म को हम लाल कह देंगे इसका मतलब वो पीला नहीं है, जबकि ब्रह्म सब कुछ सब रंग है। अगर ब्रह्म को हम शेखर बोल दें कि शेखर ब्रह्म है, इसका मतलब मोहन में ब्रह्म नहीं है, सोहन में ब्रह्म नहीं है। नेति नेति शब्द से ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म वो नहीं है, ऐसा कहते कहते लास्ट में कहा जा रहा है कि जो भी कुछ है सब कुछ चराचर जगत में ब्रह्म ही है। क्लियर है बात? क्यों भाई? चले अगली बात। तो ये बृहदारण्यक के संदर्भ में हमने बात देखी, आगे बढ़े। यजुर्वेद के उपनिषद की बात हो रही है, एक उपनिषद आएगा तैत्तरीय उपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद इसमें दो तीन क्या काम की बातें हैं। इसमें पहली बात, सदा सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका प्रारंभिक उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खूब अन्न उपजाओ, अन्न उपजाओ, इसका उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो इस शब्दावली का उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है? तैत्तरीय उपनिषद में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़े, हो गया। चले अगला उपनिषद, कट उपनिषद या कठोपनिषद। कट उपनिषद या कठोपनिषद एक ही बात है, अ प्लस ओ बराबर ओ हो जा रहा है, संधि आप पढ़े होंगे। ये जो कठ उपनिषद है इसको लेकर के एक बात, यम नचिकेता, यम नचिकेता के बीच दार्शनिक वार्तालाप का, दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह कहां देखने को मिलता है? तो संग्रह यम नचिकेता संवाद का संग्रह कठोपनिषद में देखने को मिलता है। कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यम जो है इसमें नचिकेता को क्या बता रहे हैं? तो इसमें यम जो है नचिकेता को बता रहे हैं कि भाई नचिकेता, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ओम का महत्व क्या है? ओम एवं आत्मा का महत्व बता रहे हैं। कौन बता रहा है? यम बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? नचिकेता को महत्व बता रहे हैं। ओम और आत्मा का महत्व कठोपनिषद में यम नचिकेता को बताए जा रहे हैं। क्लियर है? यम आत्मा के महत्व के संदर्भ में नचिकेता को बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है भाई? तो स्वरूपतः आत्मा अजन्मा है, अर्थात आत्मा का जन्म नहीं होता है। दूसरा, अनश्वर है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, यह यम बता रहे हैं नचिकेता को। यम नचिकेता दार्शनिक वार्तालाप में इस प्रकार की बात देखने को मिलती है और इसका स्रोत क्या है? कठोपनिषद है। अगली बात, हो गया। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, उपनिषद की बात करते हैं।
श्वेताश्वर उपनिषद। पहली बात, इसमें परमात्मा को क्या कहा जा रहा है? परमात्मा को रुद्र कहा गया है। रुद्र अर्थात भगवान शिव का एक स्वरूप कहा गया है, एक चीज। दूसरी चीज, जगत को जगत कह लें या सृष्टि कह लें या विश्व कह लें या संसार कह लें, को क्या कहा गया है? माया कहा गया है, माया कहा गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसी में मोक्ष का उल्लेख किया गया है। मोक्ष एवं नवधा भक्ति, नवधा भक्ति का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में। वैष्णवों ने नवधा भक्ति का उपादान किया है, साधन बताया हुआ है। इसी में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अर्थात ब्रह्ममय होने के लिए, आत्मा को ब्रह्ममय होने के लिए प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम क्या साधन बताया जा रहा है? योग एवं यौगिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चले आगे बात करेंगे। हो गया, आगे बात करेंगे। मैत्रायणी उपनिषद की बात करते हैं। मैत्रायणी उपनिषद, प्रश्न पूछा हुआ है, दो तीन बार प्रश्न पूछा हुआ है जो अभी बताने जा रहे हैं। मैत्रायणी उपनिषद, इसमें स्त्रियों को सुरा एवं पासा का मतलब होता है जुआ, सुरा का मतलब मदिरा का योग बताया जाता है, का योग बताया गया है। अर्थात महिला की तुलना मदिरा से की जा रही है, महिला को जुए के समान बताया जा रहा है। इसका उल्लेख कहां पर? मैत्रायणी उपनिषद, याद रहेगा। स्त्रियों को सुरा और पासा का योग बताया गया है मैत्रायणी उपनिषद में। अर्थात स्त्रियों को मदिरा बताया गया है, तुलना की जा रही है मदिरा से, या जुए के समान बताया जा रहा है, जुए से तुलना की जा रही है स्त्रियों की, कहां पे? मैत्रायणी उपनिषद में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी में सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख मैत्रायणी उपनिषद में देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो उत्तर वैदिक काल आता है ना, तो उत्तर वैदिक काल में ये जो पूर्व वैदिक काल की प्रार्थना और उपासना की पद्धति थी वो परिवर्तित होती है। पूर्व वैदिक काल में उपासना का तरीका क्या होता था? प्रार्थना। पूर्व वैदिक काल में देवताओं की, ईश्वर की उपासना का तरीका होता था प्रार्थना करना। ऋग्वेद में प्रार्थना संबंधी मंत्र है। उत्तर वैदिक काल में इसमें परिवर्तन होता है और प्रार्थना के स्थान पर अब यज्ञ कर्मकांड की बहुलता देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में
ब्राह्मणवादी यज्ञ कर्मकांड, उसमें पशु बलि दी जा रही है, भारी मात्रा में पशुओं को बलि चढ़ाया जा रहा है, हवन करेंगे में बहुत सारे मात्रा में अन्न का ओम स्वाहा किया जा रहा है। इससे तमाम सारे सामाजिक लोगों में निराशा की किरणें घर कर जाती हैं, निराशा व्याप्त होता है लोगों में। उत्तर वैदिक काल में निराशा के तत्व भी दृष्टिगोचर होने शुरू होते हैं और निराशावाद का प्रथम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? मैत्रायणी उपनिषद में ही निराशावाद के तत्व दृष्टिगत सबसे पहले मैत्रायणी उपनिषद में ही होते हैं, याद रहेगा। मैत्रायणी आगे बढ़े। अगली बात, एक है ईश उपनिषद अर्थात ईशोपनिषद, यजुर्वेद से ही संबंधित ईश उपनिषद या ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण, गीता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, निष्काम कर्म करना चाहिए, निष्काम भाव से, नहीं निष्काम कर्म की बात की जा रही है, बिना फल की प्राप्ति के कर्म करते रहना चाहिए, यही बात है। गीता में इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से उल्लेख देखने को मिलता है गीता में, लेकिन निष्काम कर्म का उल्लेख है, लेकिन एक प्रश्न बनता है, ये जो निष्काम कर्म का उल्लेख है गीता में, बढ़िया व्यवस्थित विवेचन गीता में निष्काम कर्म का देखने को मिलता है, लेकिन इस निष्काम कर्म का प्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो निष्काम कर्म का प्रथम उल्लेख ईश उपनिषद अर्थात ईशोपनिषद में ही देखने को मिलता है। हो गया, आगे बढ़े। तो हमने बात किया यजुर्वेद के उपनिषद से संबंधित, अगला है अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद पहला मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में पहली महत्वपूर्ण बात कि सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य का प्रथम उल्लेख मुंडको उपनिषद में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से किया गया है? यह सारी परीक्षाओं में कभी ना कभी प्रश्न पूछा हुआ है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की जा रही है? टूटी फूटी नाव से की जा रही है, अर्थात टूटी नाव से। अगर टूटी नाव पे सवार होंगे तो क्या उस पार पहुंच पाएंगे? उत्तर है नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही डूब जाएंगे। तो उपनिषदों में यज्ञ की आलोचना देखने को मिलती है, ब्राह्मणवादी यज्ञ कर्मकांड की आलोचना देखने को मिलती है, याद रहेगा। उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांड की आलोचनात्मक प्रवृत्ति रही है और यज्ञ की तुलना किससे की जा रही है? टूटी फूटी नाव से की जा रही है कि भाई शेखर, अगर वैतरणी पार होनी है, चांद के पार चलो करना है, तो यज्ञ रूपी साधन पे सवार मत हो, क्योंकि
भाव सागर पार नहीं हो पाओगे, बीच में ही त्रिशंकु की स्थिति में लटके रह जाओगे। अर्थात मुंडक उपनिषद कह रहा है कि यज्ञ कर्मकांड के सहारे अगर कोई सोचे कि हमें मोक्ष मिल जाएगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ विधि यज्ञीय परंपरा एक टूटी नाव के समान है जिससे भवसागर या मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। इसमें मुंडक उपनिषद में एक बात और, विद्या विद्या मां या विद्या देवी विद्या मैया, विद्या के दो प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार कौन से? वो दो प्रकार हैं, एक है परा और एक है अपरा। परा और अपरा, ये जो परा प्रकार की विद्या है ये किस प्रकार की विद्या है? तो ये जो परा प्रकार की विद्या है इसमें कर्मकांडीय प्रकार के ज्ञान देखने को मिलते हैं, जबकि अपरा किस प्रकार का ज्ञान देता है? आध्यात्मिक ज्ञान देता है। आध्यात्मिक अर्थात ब्रह्म ज्ञान से हमें परिचित कराता है अपरा प्रकार का ज्ञान। क्लियर है? परा और अपरा ये दो प्रकार की बातें। आगे बढ़े मुंडक उपनिषद। मुंडक के बाद दूसरा है मांडुक्य, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद के संदर्भ में पहली बात, सबसे छोटा है, नहीं सबसे छोटा है। अगली महत्वपूर्ण बात, इसमें ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं। ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं, कौन कौन से? एक सगुण रूप, सगुण रूप राम कृष्ण आदि आदि अवतारवाद वाला, वो सगुण रूप है, और निर्गुण रूप, निर्गुण निराकार। इन दो स्वरूपों का उल्लेख कहां पर? मांडुक्य के उपनिषद में देखने को मिलता है। क्लियर है? एक तीसरा जो था वो भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्नोपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। शौनक और पिपलाद दो महान ऋषि रहे हैं, शौनक और पिपलाद अथर्ववेद से जुड़े हुए यह दो महत्वपूर्ण ऋषि रहे हैं, शौनक और पिपलाद। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिपलाद एवं इनके कितने शिष्य? छह शिष्य, याद रखेंगे बड़ी परीक्षा के लिए। छह शिष्यों के बीच जो दार्शनिक वार्तालाप हो रही है ना, उनका उल्लेख देखने को मिलता है प्रश्नोपनिषद में। बात खत्म। एक और तथ्य बनता है जो निश्चित रूप से आप में से किसी को भी जानकारी नहीं होगी, प्रत्येक वेद से एक हेडिंग डाल लेंगे, प्रत्येक वेद से संबंधित देवता, प्रत्येक वेद से संबंधित देवता। ऋग्वेद से संबंधित देवी देवता कौन से हैं महत्वपूर्ण? एक पृथ्वी एवं अग्नि देवता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। दूसरा सामवेद से जुड़े हुए देवता गण कौन से हैं? विशेष रूप से द्योस एवं सूर्य, देवताओं का संबंध सीधे सीधे सामवेद से है, युग्म में आएगा। तीसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद से जुड़े हुए देवताओं की अगर बात किया जाए तो अंतरिक्ष एवं
वायु। अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद का जब पाठ किया जाता था तो चारों दिशाओं की पूजा होती थी, उसके बाद अथर्ववेद का वाचन किया जाता था। चारों दिशाओं की, चारों दिशाओं का सर्वप्रथम आह्वान किया जाता था। इसमें बिल्कुल नई बात है, आप में से किसी को भी जानकारी नहीं होगी। क्लियर है? एक और बात, प्रत्येक वेद से संबंधित देवता, ये हो गए। एक लास्ट मुद्दा आज के लिए, प्रत्येक वेद से संबंधित, प्रत्येक वेद से संबंधित कोई न कोई उपवेद हैं, वेद और उनसे संबंधित उपवेद। जैसे ऋग्वेद, नहीं इसमें एक चीज और, वेद एवं उपवेद एवं प्रतिपादक, इन उपवेदों के प्रतिपादक कौन है? यह भी वेद, उपवेद और इनके प्रतिपादक। ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो उपवेद है, निश्चित रूप से आपको याद होगा आयुर्वेद, और इसके प्रतिपादक किसको? ब्रह्मा जी को माना जाता है, याद रहेगा। सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद का उपवेद क्या? गंधर्व वेद। और इसके कौन? नारद जी, नहीं नारायण, नारायण। यजुर्वेद की बात किया जाए तो इसका उपवेद क्या? धनुर्वेद। और प्रतिपादक कौन? विश्वामित्र। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद क्या? शिल्पवेद। और इसके प्रतिपादक कौन? तो विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा। हो गया, ठीक है। कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी लिखा करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।